गधा निकला हुआ बोलते हैं नीम के पेड़ से, वो कितने दिन हुआ है? अब मेरे को 12-13 साल से पहले के है। अच्छा, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं हमें भी प्राचीन है और ये जो गधा भी है बहुत ही। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे रहस्य, ऐसे ऐसे कथा और ऐसे ऐसे इतिहास है दोस्तों, जिसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसी ही एक रहस्यमय नीम के पेड़ से जो हनुमान जी का गधा निकला हुआ है, उभरा हुआ है, तो उसको आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। और उस स्थान का नाम है रेंगाडी, जो कि खरोरा से 10 या 15 किलोमीटर दूर है दोस्तों, और रायपुर से 60 या 70 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और चलते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सोनी कुमार साहू है। और आप यहीं के स्थानीय निवासी? मैं प्राइवेट में रेंगाडी को हूँ। अच्छा, और ये जो हनुमान जी का जो गधा निकला हुआ बोलते हैं नीम के पेड़ से, वो कितने दिन हुआ है? अब मेरे को 12-13 साल से पहले के है। अच्छा, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं हमें भी अभी पता चला है। हाँ, 12-13 साल पहले से मतलब वो निकला है। निकला है वो जो गधा का जो आकृति बना है वो। तो ठीक है भैया, हम देखते हैं उस जगह जाके। और वहाँ मूर्ति हमारे संपत भैया ने बैठा रहा है। अच्छा, संपत जी ने, बजरंग बली ने। और उन्हीं लोग बेचारे सब कर रहा है उसका पूजा उजा। अच्छा, सब वही लोग कर रहा है भैया। तो ठीक है भैया, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको उस पेड़ और उस जगह पे ले जाते हैं वहाँ हनुमान जी का गधा का आकृति प्राकृतिक देन मतलब प्राकृतिक रूप से उभरा है। और काफ़ी एक चमत्कारी है बोले जाए दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहें। तो दोस्तों देखिए, ये जो हनुमान जी की मूर्ति काफ़ी प्राचीन है और ये जो गधा भी है बहुत ही सुंदर, और बोला जाए हनुमान जी का पूरा वास है इस नीम के पेड़ पे। और ऐसे तो नीम का जो पेड़ है वो शीतला माता का भी वास रहता है इसमें। अब अपना नाम बताइए। ये मोर नाम जो है संपत दास मानिकपुरी। संपत दास मानिक। और ये जो हनुमान जी का जो आकृति गधा की जो आकृति है वो कब से निकला है? बजरंग बली बिठाए के बाद ही आकृति बनी से है। अच्छा, बजरंग बली बैठाने के बाद ही आकृति निकली हुई है जी। और सुनने में आया है कि कुछ चमत्कार भी हुआ है आपके साथ में जी। तो बताइए, शेयर कीजिए हमसे। पहले बात ये है कि मोर यानी कि 5 साल के लड़की रही से। हाँ, 5 साल के लड़की रही से वो अचानक होकर देहांत हो गए। हाँ बताइए। मैं तो माना शंकर भगवान बजरंग बली दुर्गा माता दा लगभग इनकेन्द्र बीएनबे से माना था इधर पूजा पाठ करा था। हाँ, हर प्रति सोमवार के मैं यहाँ शंकर जी के नाम से उपवास ली था मैं। अच्छा जी। तब मैं और जो उन लड़की है 5 साल के रही से ख़त्म हो गए। मन में बच्चा के मुँह के कारण कि इतना दिन हो गया तो पूजा पाठ करता हुआ था मोर बच्चा कुछ सहारा नहीं हुए तुम, ये समझ के मैं है मूर्ति मतलब तोड़ फोड़ के मैं है मोर घर के पास में डबरी के मत फेंक दे रहे हैं। हाँ, फेंक दे रहे हैं। उसके बाद में मन भाव बन गया था मैं और सब चीज़ फेंक दे मैं। तीन चार साल के अंतराल में मोर ऊपर ये हुई कि बजरंग बली जी इतने ना सीधा प्रकोप हो गए समझ। ऐसे प्रकोप हुई कि मैं है एक पाँव चले कभी नहीं रहे मुझे पूरा शरीर में पीड़ा। कभी भी मैं है एक पाँव चल नहीं सकत रहे, कोई भी जगह जा नहीं सकत रहे, किसी की आश्रित से यहाँ तक मतलब नहलाए बार भी लगत रही से। जब वो चीज़ होत रही से पड़ोस में रही से मोरमोसा वो कि संपर्क ऐसे ही से गलती करें
जो उन अपमान करे, जो देव के अपमान किया करते हैं, मान सम्मान कर और स्थापना कर, तभी ते हैं ठीक रही सकता और जिंदगी तभी चल सकते। यहाँ तक मोरी स्थिति हो गई कि नहीं बची इसी टाइप की हो गई से भाई। हाँ, तब ये हुई से कि जब जब बजरंगबली के नाम से नेव कोड़ावत गई से, तब तक ऑटोमेटिक यानी कि मोर पैर के जो दर्द है कम होत गई से। और दूसरा बात है कि पूरा स्थापना हुई से मोर पैर के दर्द पूरा समाप्त कर, जो कि मैं ये अपन पैर के मजबूती से मैं अपन चलत फिरत हूँ, ज़्यादा नहीं चल सका, मध्यम चलता हूँ, लेकिन अपन पैर की मजबूती से चलता हूँ। अच्छा, तो ये चमत्कार हुआ बजरंगबली की जो कृपा हुई आपके ऊपर, वो एक विश्वास और श्रद्धा बोले जाए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपने जो बताया। जय श्री राम। जय श्री राम।